शाहरुख खान से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें जो आपको पता नहीं होगी। एक, टीवी से शुरुआत। शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की। उन्होंने 1988 में फौजी नाम के सीरियल से अपने सफर की शुरुआत की। उसके बाद सन 1989 में सकस नाम के सीरियल पर काम किया। फ्रेंड्स, माय रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कॉमेंट करें। दो, पहली फिल्म। किंग खान की बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म दिल असना है या अहमक से हो सकती थी, लेकिन दोनों के रिलीज में देरी होने के कारण फिल्म दीवाना से उनकी एंट्री बॉलीवुड में हुई। तीन, असली नाम। बहुत कम लोगों को पता है कि इस सुपरस्टार का नाम अब्दुल रहमान था, जो उनकी नानी ने रखा था। बाद में उनके पिता ने इस नाम को बदलकर शाहरुख खान रख दिया। चार, फिल्मों में नहीं चाहते थे आना। शुरुआत में जब वे फौजी सीरियल पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने तय किया था कि वे फिल्मों में नहीं आएंगे और उस दौरान कुछ फिल्मों के ऑफर को रिजेक्ट भी कर दिया था। पांच, संघर्ष। बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है कि जब शाहरुख खान 15 साल के थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया था। थे कभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाहर मेज चलाते थे। इसी दौरान शाहरुख को कलाकारों से मिलने जुलने का मौका भी मिल जाता था। छह, रेस्टोरेंट। शाहरुख खान अपने संघर्ष के दिनों में दिल्ली के दरियागंज में एक रेस्टोरेंट भी चलाते थे। फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माई रिव्यू चैनल और लाइक एंड कॉमेंट करे। सात, माता पिता का देहांत। जब तक बेटा आसमान की बुलंदियों को छूता, माँ बाप छोड़कर जा चुके थे। शाहरुख खान को इस बात का पछतावा जरूर होगा कि उनके माता पिता उनकी सफलता को देख नहीं पाए। आठ, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सितारा। ज्यादातर लोगों को इस बात का पता नहीं होगा कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कलाकारों में से एक शाहरुख खान भी है। किंग खान ने जामिया यूनिवर्सिटी से मास ऑफ कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 9. सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म। आपको भी पता होगा कि DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म बॉलीवुड की सबसे लंबे समय तक चलने वाली मूवी है। और कमाल की बात ये कि इस फिल्म को करने से पहले उन्होंने स्क्रिप्ट तक नहीं देखी थी और काम करने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि ये उनके दोस्त आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म थी। 10. शाहरुख खान की फिल्में जो कभी रिलीज नहीं हो पाई। शाहरुख खान की कुछ ऐसी भी पुरानी फिल्में हैं जो आज तक रिलीज नहीं हो पाई। 1. अश्मक। 2. शिखर। 3. किसी को दिल लगाकर देखो। 4. रश्क। दोस्तों, भले ही शाहरुख खान आज बॉलीवुड के बादशाह हों, लेकिन किसी जमाने में वे भी एक आम आदमी थे और सफलता के इस शिखर तक पहुंचने में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, जो कि हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अपनी राय जरूर शेयर करें।